नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर तनवीर सिंह इंटरनल एडोसेंस क्लासेस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दृष्टि द विजन पुस्तक के एक एक टॉपिक को लेकर आ रहे हैं तो पिछली क्लास में हमने इस पुस्तक का शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता ये वाला जो टॉपिक है इसका पूरा वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है हमने सोचा था कि एक ही वीडियो डालेंगे लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को दो पार्ट में करना पड़ा तो शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता का पार्ट वन पार्ट टू आपके चैनल पर उपलब्ध है आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं आज हम ये जो सेकंड टॉपिक है शोध अभिवृत्ति इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए हमारा लक्ष्य है कि हम इस पुस्तक के ये जितने भी टॉपिक हैं इन सब का एक एक वीडियो या जैसा भी मैटर होगा पार्ट वन पार्ट टू में ये पूरा मैटर जो है अपने चैनल के माध्यम से आप सभी की सुविधा के लिए हम प्रोवाइड करा देंगे तो चलिए ज्यादा समय नष्ट करते हुए आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं शोध अभिवृत्ति तो हमारा दूसरा टॉपिक है शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है शोध का अर्थ प्रकार और विशेषताएं प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक ऐतिहासिक गुणात्मक एवं मात्रात्मक फिर आपको शोध के चरण पढ़ने हैं उसके बाद शोध प्रबंध एवं आलेख फॉर्मेट और संदर्भ की शैली में शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग शोध नैतिकता तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अनुसंधान का अर्थ विशेषताएं और प्रकार को पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा इसमें कुछ भी समझने के लायक नहीं है बहुत ही सरल शब्दों में ये लिखा गया ये पुस्तक है ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही अथेंटिक भी है क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंस रहे हैं इसलिए ये पुस्तक जो लोग भी नेट जे की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए तो चलिए आप इसको सुनिए जो भी नोट करने लायक होगा उसको नोट करिएगा ये टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा बड़े ही आसानी से तो इसको स्टार्ट करते हैं अनुसंधान यानी शोध का अर्थ अनुसंधान अथवा शोध किसी निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है अनुसंधान क्या है ये किसी समस्या मतलब जिसका उद्देश्य हो उस समस्या को क्या करती है आधार बनाती है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित लेखन करती है और परीक्षण के द्वारा बेहतर और नवीन और एक मतलब आपके जीवन से जुड़ने वाले ज्ञान की खोज करती है ठीक है अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है जिससे जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणाओं प्रतिस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है अनुसंधान का अंग्रेजी पर्याय रिसर्च शब्द री और सर्च शब्दों से मिलकर बना है इसको आप देख सकते हैं री का अर्थ है री प्लस सर्च रिसर्च का अर्थ और सर्च का अर्थ तो देखिए अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है जिसका सामान्य अर्थ पुनः खोज करना नए उद्देश्य को प्राप्त करना है ठीक है री का होगा पुनः मतलब बार बार और सर्च का मतलब होता है खोज करना फिर है अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त अन्य शब्द अन्वेषण अनुशीलन परिशीलन मीमांसा गवेषणा, शोध खोज एवं रिसर्च है वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं को हम अनुभव करते हैं उन सबका आधार अनुसंधान है लेकिन मानव के जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कह सकते क्योंकि सामान्य अनुभवों से तात्कालिक एवं आकस्मिक घटनाओं से तथा प्रयत्नों एवं भूलों से भी जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति हुई है और होती रहती है अनुसंधान में योजना अनुसार कार्य होता है वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि होती है जिसका एक निर्धारित लक्ष्य होता है वैज्ञानिक शोध में सहविचरण भ्रामक संबंधों का बहिष्करण सामान्यकरण तथा सिद्धांतिकरण क्रमिक संक्रियाए हैं अनुसंधान शोध के चार अंग होते हैं क्या क्या होते हैं ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया प्रासंगिक तथ्यों का संकलन विवेकपूर्ण अध्ययन विश्लेषण परिणाम स्वरूप निर्णय तो चारों अंग देख लीजिए कौन कौन से हैं फिर से ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की ये प्रक्रिया होती है फिर प्रासंगिक तथ्यों का संकलन होता है विवेकपूर्ण अध्ययन विश्लेषण किया जाता है परिणाम स्वरूप निर्णय लिया जाता है फिर अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाएं हम देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो पूछ देता है एग्जाम में तो इसको आप देख लीजिए पी यंग क्या कहे हैं अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु उनकी क्रमबद्धता अंत संबंध कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है अनुसंधान क्या है अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने तथा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु उनकी क्रमबद्धता अंत संबंध कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक के, का है। है, e. के शब्दों में अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अव्यवस्थित प्रयत्नों से काफी अलग होती है फिर है सी आर कोठारी अनुसंधान पद्धति से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान परिकल्पना का निर्माण तथ्य और प्रदत्तों का संकलन संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है जिसकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दे फिर जेम्स ड्रेवर कहे हैं किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है अब अनुसंधान की विशेषताएं देखते हैं अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना है अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है यह पूर्णता तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर, पर उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है। अनुसंधान सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं करता बल्कि अनुसंधान में व्यापीकरण नियमों या सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाता है अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए विधियों प्रविधियों व वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसके बाद इन आंकड़ों का शोधन संलेखन अभिकलन व विश्लेषण किया जाता है अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना आरंभिक अनिवार्यता होती है अनुसंधान की गुणवत्ता अनुसंधान की प्रासंगिकता से तय होती है अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता बल्कि यह उन मतों या बातों को स्वीकार करता है जिन्हें प्रेक्षण द्वारा परखा जा सके अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मापदंडों का प्रयोग होता है अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है अनुसंधान कार्यों को सैद्धांतिक व व व्यवहारिक तरीके से भी कर सकते हैं सैद्धांतिक कार्य वैज्ञानिक विधि के द्वारा तथा व्यवहारिक कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है अनुसंधान कार्य में परिणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों का एक प्रदत्तों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है तत्पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है शोध कार्य का उल्लेख त्रुटि रहित हो इसलिए इसे सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है अनुसंधान कार्य दीर्घकालिक अवधि में संपन्न होते हैं इसलिए इसमें शीघ्रता या शॉर्टकट का कोई स्थान नहीं होता अब हम अनुसंधान या शोध की प्रकृति को देखते हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है अनुसंधान एक बौद्धिक तार्किक व वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है साथ ही पुरानी त्रुटियों एवं भ्रम धारणाओं का परिमार्जन करती है अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रचार और प्रसार में सहायक होती है इसमें प्राथमिक व द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होता है आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है इसके द्वारा किसी नए तथ्य विधि या वस्तु की खोज की जाती है या फिर प्राचीन तथ्य सिद्धांत विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है अनुसंधान के जटिल घटनाक्रमों को समझने के लिए विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है यह सुव्यवस्थित बौद्धिक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है अनुसंधान के प्रकार देखेंगे किसी भी अनुसंधान की शुरुआत एक समस्या की पहचान के साथ होती है तत्पश्चात समस्या की पहचान कर उसका समाधान ढूंढा जाता है जिसके निम्न दो मुख्य कारण होते हैं बौद्धिक मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति प्लस ज्ञानार्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि की भावना जो बौद्धिक कारण होते हैं वो मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति और ज्ञानार्जन से प्राप्त असंतुष्टि की जो भावना होता है उससे होते हैं उत्पन्न फिर है व्यवहारिक इसमें क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति प्लस समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया जाता है उपयुक्त दोनों कारणों के कारण दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधानों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है कौन कौन से वर्गों में देख लेते हैं मूलभूत अनुसंधान यानी फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च एंड्री ऑस के शब्दों में मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्ररचनाओं का निर्माण करना है मूलभूत अनुसंधान मुख्य ध्येय वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से प्राकृतिक या अन्य घटनाओं की बेहतर समझ को विकसित करना है मूलभूत अनुसंधान नए विचारों व सिद्धांतों का निर्माण करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और विकास का आधार बनता है जीन पियाजे ने मूलभूत अथवा मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही मानव विकास का सिद्धांत दिया मूलभूत अनुसंधान अथवा मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का उपयोग अनुपयुक्त अनुसंधान में अनुप्रयुक्त अनुसंधान में किया जाता है फिर है व्यवहारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च एंड्रिय कहे हैं कि तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधान करन, करता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो यह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है व्यवहारिक अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित है जिसमें व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है इस अनुसंधान का प्रयोग दैनिक समस्याओं एवं नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किया जाता है व्यवहारिक शोध में प्रबंधकीय ढंग से ज़्यादा संगठनात्मक शैली प्रभावशाली होगी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन अनुसंधान राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है देख लेते हैं इसको मूलभूत अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च व्यवहारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एडवर्ड और क्रॉनबैक बैक का वर्गीकरण देखते हैं अनुसंधान का एक भाग मुख्य तथ्य का संकलन होता है आधार सामग्री के अध्ययन और विश्लेषण द्वारा तथ्यों का संकलन और संयोजन किया जाता है मानवीकी और समाज विज्ञान से जुड़े अनुसंधानों में किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रभाव लक्षित होता ही है लेकिन शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक क्षमता उसे वस्तुनिष्ठ और तार्किक निष्कर्ष प्रदान करती है अनुसंधान एक विकासोन्मुखी प्रत्यय है इसकी प्रकृति गत्यात्मक है दृष्टिकोण वैज्ञानिक है विकास अभिसंचयी है तथा ज्ञान एवं विद्वता का दिग्दर्शक है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एडवर्ड तथा क्रॉनबैक का वर्गीकरण उचित प्रतीत होता है जो निम्न चार रूपों में है सर्वेक्षण अनुसंधान यानी सर्वे रिसर्च इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध दो या दो से अधिक चरों के संबंधित घटनाओं आंकड़ों का संकलन व वर्गीकरण से होता है ताकि दोनों चरों के मध्य साहचर्यात्मक संबंधों को जाना जा सके इस प्रकार के अनुसंधान का स्वरूप अन्वेषणात्मक रहता है इसके द्वारा जनसंख्या का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जाता है तो सर्वेक्षण वाले में ही जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है यानी सर्वे में फिर है प्रविधि अनुसंधान टेक्निकल रिसर्च इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध अवलोकन निरीक्षण विधि से संबंधित समस्याओं के समाधान से है जब किसी चर के अवलोकन की एक या एक से अधिक विधियां उपलब्ध हों तो प्रविधि अनुसंधान इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके उसके गुणों व कारकों के आधार पर प्रभाविकता का स्पष्टीकरण करता है फिर है व्यवहारिक अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जाता है उदाहरण अगर किसी दैनिक समस्या के समाधान के लिए हमारे पास अनेक विधियाँ हो और हमें सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना हो तो इस प्रकार का अनुसंधान उसमें सहायक होता है फिर है आलोचनात्मक अनुसंधान क्रिटिकल रिसर्च इस प्रकार का अनुसंधान पूर्व धारणा पर आधारित होता है जहां अनुसंधानकर्ता यह विचार करता है कि यदि यह अनुसंधान किया जाए तो कुछ विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा तो कुछ नए तथ्य प्रकाश में आएंगे अब हम देखेंगे अनुसंधान यानी शोध के उद्देश्य कोई भी अनुसंधान कार्य उद्देश्य विहीन नहीं होता शोध की परिकल्पना या प्रस्तावना के साथ ही उसका उद्देश्य भी तय किया जाता है अनुसंधान करता द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष की खोज उद्देश्य का मूल है उद्देश्य नए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरक का कार्य करता है अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना समस्याओं का समाधान करना विज्ञान पर आधारित वस्तु ज्ञान होना दो चरों के मध्य कार्यकारण संबंध को समझना और परीक्षण करना किसी घटना के साथ सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करना व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना अब यहाँ पे बीच बीच में हम एक एक वाद को भी देखते रहेंगे तो जैसे पुस्तक का क्रम है हम वैसे ही इसको पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद का शोध पद्धति की उसी प्रणाली में विश्वास है जिसे प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाया जाता है इसका निष्पक्षता और मूल्य तटस्थता में विश्वास है यही कारण है कि प्रत्यक्षवाद में ज्ञान से ज्ञाता आत्मपरकता से निष्पक्षता और मूल से मूल्य से तथ्य को अलग माना जाता है समाजशास्त्र और सामान्य बोध एक ही नहीं है समाजशास्त्र व्याख्यात्मक सिद्धांतों पर आधारित है जिनके आधार पर इस विषय में इस विषय को सार्वभौमिक दर्जा मिलता है प्रत्यक्षवाद ज्ञान का एक सुव्यवस्थित सुसंगठित पुंज है जिसे विशिष्ट प्रवीणताओं या कौशलों और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक शब्दावली से बनाया जाता है या बनाया गया है समाजशास्त्र अमूर्तता और सामान्यकरण के लिए प्रयास करता है और इसमें सामान्यकरण जैसे नियमों से मानव अनुभव की व्याख्या की जाती है अब हम देखेंगे उत्तर प्रत्यक्षवाद उत्तर प्रत्यक्षवाद यह तर्क देता है कि तर्क के साथ टिप्पणियों को जोड़कर एक घटना के बारे में उचित अनुमान लगाया जा सकता है इसका यह मत है कि वैज्ञानिक तर्क और सामान्य तर्क के बीच केवल अंश में ही अंतर है इसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर हैं और इसमें त्रुटियां हैं ये सभी पुनर्प्रयोज्य भी हैं। अब हम देखेंगे अनुसंधान का महत्व वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता तथा तो शिक्षण संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध के महत्व को बढ़ा दिया है अनुसंधान के निम्नलिखित महत्व हैं: मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का सरल उपाय देना ज्ञान के विकास में सहायक होता है उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया है सत्य ज्ञान की खोज करना प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है, रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है शिक्षक अध्यापक अनुसंधान के माध्यम से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है अनुसंधान जिज्ञासा से मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है अनुसंधान के अब हम जो है सोपान यानी पद देखेंगे अनुसंधान शोध एक क्रमिक प्रक्रिया है अनुसंधान की प्रक्रिया कई क्रियाओं के परस्पर सम्मिलित होने से पूर्ण होती है ये क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अनुसंधान में निश्चित एवं उपयोगी चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल होती है इसलिए इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतैक्य का अभाव है डेविड फॉक्स ने अनुसंधान के तीन भागों में सत्रह चरण पद दिए हैं जो निम्न हैं। तो हम लोग डेविड जे फॉक्स वाला देख लें तो ये इसको तीन भाग में बांटे हैं और सत्रह चरण दिए हैं तो पहले भाग में अनुसंधान की योजना इसमें क्या क्या होगा चरण एक में प्रारंभिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र चरण दो में साहित्य का प्रारंभिक सर्वेक्षण चरण तीन में विशिष्ट अनुसंधान की समस्या का निश्चय चरण फोर में अनुसंधान कार्य की सफलता का पूर्वानुमान चरण पाँच संबंधित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण चरण छः अनुसंधान की प्रक्रिया का चयन चरण सात अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण चरण आठ आंकड़े प्राप्त करने की विधियों का निश्चय चरण नौ आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव अथवा निर्माण चरण दस आंकड़े के विश्लेषण की योजना तैयार करना चरण ग्यारह आंकड़ों को एकत्र करने की योजना बनाना चरण बारह जनसंख्या तथा न्यादर्श का निश्चय करना चरण तेरह एक छोटे समूह पर पूर्व अध्ययन एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना तो ये भाग एक में इतने चरण हैं यानी तेरह फिर भाग दो में अनुसंधान योजना का क्रियान्वयन इसमें क्या क्या है चरण चौदह आंकड़ों का संग्रहण करेंगे पंद्रह में आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और सोलह में अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करना होता है और भाग तीन में प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग करेंगे और इसका लास्ट चरण होगा सत्रहवा प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देना तो ये जैसा कि बोले कि जो डेविड जे फॉक्स है ये तीन भाग में बांटे सत्रह चरण में तो तीन भाग में पहले तीन भाग देख लीजिए अनुसंधान की योजना पहला भाग है अनुसंधान योजना का क्रियान्वयन दूसरा भाग है और प्राप्त निष्कर्ष का प्रयोग तीसरा भाग है और उसमें ये विभिन्न चरण हैं। भाग एक में टोटल तेरह चरण आ जाएंगे भाग दो में तीन चरण है और भाग तीन में एक चरण है ठीक है अब हम अन्य शिक्षाविदों और वनोवैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान शोध के निम्न चरण को देखेंगे सबसे पहले शोध विषय का चुनाव होगा फिर शोध समस्या को जानने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण समस्या को परिभाषित या निर्मित करना समस्या के तत्वों का विवेदीकरण व रूपरेखा निर्माण आंकड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण फिर समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों तथा प्रमाणों का निर्धारण वांछित आंकड़ों अथवा प्रमाणों की उपलब्धता का अनुमान लगाना समस्या के समाधान की जांच करना आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकलन करना आंकड़ों को विश्लेषण के लिए व्यवस्थित और नियमित करना आंकड़ों तथा तो प्रमाणों का विश्लेषण एवं विवेचना करना विवेचना प्रस्तुति के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना उद्धरण तथा तो संदर्भों का चयन एवं प्रयोग करना शोध प्रस्तुतिकरण के स्वरूप और शैली को विकसित करना तो ये जो चरण थे ये थे स्टूलर के अनुसार किसके अनुसार यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये जो भी चरण थे ये स्टूलर के अनुसार थे स्टूलर के अनुसार तो इसको देख लीजिएगा अब हम देखेंगे राम आहूजा के अनुसार यहां देखिए दिया है नाम राम आहूजा के अनुसार सबसे पहले अध्ययन समस्या का निर्धारण शोध प्रारूप तय करना निर्दर्शन की योजना बनाना आंकड़ों का संकलन करना आंकड़ों का विश्लेषण संपादन संकेतन व सारणीकरण प्रतिवेदन तैयार करना फिर है सी आर कोठारी के अनुसार तो अब हम देखेंगे कोठारी के अनुसार क्या क्या चरण है सबसे पहले शोध समस्या का निर्धारण गहन साहित्य सर्वेक्षण परिकल्पना का निर्माण शोध प्रारूप का निर्माण निदर्शन प्रारूप निर्धारण आंकड़ा संकलन प्रोजेक्ट का संपादन आंकड़ों का विश्लेषण परिकल्पनाओं का विश्लेषण सामान्यकरण और विवेचन रिपोर्ट तैयार करना फिर है परिणामों का प्रस्तुतिकरण या निष्कर्षों का औपचारिक लेखन सामान्यतः अनुसंधान प्रक्रिया के छह चरण माने जाते हैं समस्या का चयन या निर्धारण करना देखिए इतना तो ये विद्वानों के अनुसार था लेकिन आपको सामान्यतः छह चरण याद रखने हैं तो उसके आधार पे आप बड़े आसानी से इस प्रश्न को चालू कर लेंगे तो सबसे पहला चरण होगा समस्या का चयन या निर्धारण करना इसमें क्या आएगा अनुसंधान में सर्वप्रथम समस्या की पहचान या चयन किया जाता है और समस्या से संबंधित चरों का अध्ययन किया जाता है फिर दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण समस्या की पहचान के बाद उसके सभी संबाधित संभावित समाधानों के लिए परिकल्पना की जाती है यह शोध के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार भी है अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों के बाद परिकल्पना के बारे में विशेष तौर पर बताया गया है फिर है शोध प्रारूप, शोध प्रारूप, का विकास परिकल्पनाओं के रूप में समस्या के सुझाव समाधान पर पहुंचने की कोशिश की जाती है इसके शोध विधि तथा प्रविधियों के माध्यम से तथ्यों का प्रेक्षण जाता है इसमें आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा फ्रेमवर्क बनाया जाता है अनुसंधान के अभिकल्प के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है फिर है आंकड़ों प्रदत्तों का एकत्रीकरण एक संग्रहण परिकल्पना के से संबंधित प्रदत्तों आंकड़ों का संग्रहण करना फिर आंकड़ों प्रदत्तों का विश्लेषण करना आंकड़ों के आंकड़ों व तथ्यों के विश्लेषण करने के से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है जिसके आधार पर निर्णय होता है आंकड़ों के विश्लेषण करने से परिणामों की व्याख्या की जाती है फिर आखिरी चरण है छठवां सामान्यकरण तथा निष्कर्ष निकालना आंकड़ों प्रदत्तों के विश्लेषण की पुनरावृत्ति होने पर वे सामान्य नियम या सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाते हैं तो आपको ये छो चरण अच्छे से याद रखना है पहला है समस्या का चयन पहला है समस्या का चयन या निर्धारण करना फिर फिर दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण फिर तीसरा है शोध प्रारूप शोध अभिकल्प का विकास फिर चौथा है आंकड़ों प्रदत्तों का एकत्रीकरण संग्रहण एक मिनट फिर सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया पहला है समस्या चयन का निर्धारण करना दूसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण तीसरा है शोध प्रारूप शोध अभिकल्प का विकास चौथा है आंकड़ों प्रदत्तों का एकत्रीकरण संग्रहण पांचवा है प्रदत्तों का विश्लेषण करना फिर छठा हो जाएगा सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निकालना तो ये छह चरण आपको लिख के याद कर लेना चाहिए अब हम देखेंगे परिकल्पना का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है परिकल्पना कहलाती है परिधन कल्पना बराबर परिकल्पना परी का मतलब होता है चारों ओर और, और कल्पना का मतलब होता है चिंतन परिकल्पना अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करता है इस प्रकार समस्या चयन के पश्चात परिकल्पना अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है करलिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन है जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है कि परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप में उसे सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर तथ्यों पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे शोध कार्यों को निर्देश देता है परिकल्पना का महत्व वॉन डेलन के अनुसार परिकल्पना का अनुसंधान में निम्नलिखित महत्व है परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती है परिकल्पना समस्या एवं समाधान के मध्य की मजबूत कड़ी है यह समस्या को समाधान तक पहुँचाती है परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है परिकल्पना अनुसंधान की संपूर्ण कार्य रेखा को प्रदर्शित करती है परिकल्पना प्रदत्तों के संकलन का आधार प्रस्तुत करती है परिकल्पना नवीन अनुसंधानों का मार्ग प्रशस्त करती है परिकल्पना समुचित एवं प्रभावी उपकरणों के चयन में सहायक होती है परिकल्पना की प्रकृति देखेंगे हम नेचर ऑफ हाइपोथेसिस किसी भी परिकल्पना की प्रकृति निम्न रूप में हो सकती है परीक्षण के योग्य होनी चाहिए संदर्भ बिंदु क्रियात्मक प्रत्यात्मक घोषणात्मक हो चरों के मध्य कार्य कारण संबंध हो संबंध की स्पष्टता हो वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु हो भविष्योन्मुखी होनी चाहिए इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए अब परिकल्पना की विशेषताएं देख लेते हैं निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होनी चाहिए शाब्दिक स्पष्टता होनी चाहिए पुष्टि हेतु प्रविधियों की उपलब्धता सिद्धांत तथ्य नियम एवं अवधारणाओं से मुक्त होनी चाहिए मितव्ययी हो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप हो अब परिकल्पना के हम प्रकार देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, पर परिकल्पना के निम्न तीन प्रकार हैं। शोध परिकल्पना यानी रिसर्च हाइपोथेसिस, इसे कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं यह परिकल्पना कर के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है अतः यह एक शोध परिकल्पना है शोध परिकल्पना दो प्रकार की होती है दिशात्मक और अदिशात्मक उदाहरण सुमन और अंकिता की लंबाई में अंतर है सुमन और अंकिता की लंबाई में अंतर है उपयुक्त परिकल्पना अदिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण है क्योंकि लंबाई में अंतर किससे कम या ज्यादा है इस ओर संकेत नहीं किया था। उदाहरण बी में सुमन की लंबाई अंकिता की अपेक्षा कम है यह एक दिशात्मक परिकल्पना है, क्योंकि इसमें कम और अधिक से एक दिशा की ओर संकेत किया गया है अब हम देखेंगे शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस परिकल्पना के माध्यम से अनुसंधानकर्ता चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं इस परिकल्पना का उपयोग केवल सांख्यिकी और सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है इसे सामान्य भाषा में नल परिकल्पना अथवा रद्द परिकल्पना भी कहते हैं इसमें चरों के बीच कोई भिन्नता नहीं होती एनोवा परीक्षण इसी से जुड़ा है इसका उदाहरण देखते हैं ए वाला विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि आईक्यू एवं कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि आई में कोई अंतर नहीं है तो नल वाले में कोई भिन्नता ही नहीं होती उदाहरण बी एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं उपयुक्त दोनों उदाहरण शून्य परिकल्पना से संबंधित है अतः यहाँ एक्स ए बराबर एक्स बी परिकल्पना को संतुष्ट करता है फिर है सांख्यिकी परिकल्पना स्टैटिकल हाइपोथीसिस जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे सांख्यिकी परिकल्पना कहते हैं सांख्यिकी परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है उदाहरण यदि शोध या सांख्यिकी परिकल्पना यह है कि समूह का बुद्धि लब्धि से समूह ख से श्रेष्ठ है तो इसकी सांख्यिकी परिकल्पना H1 तथा H0 के पदों के अनुसार होगी देखिए H1 ये पूरा इसको देख लीजिए H1 वन संबंधे H A एच वन एक्स वन एक्स बी एच जीरो माध्य के लिए X का प्रयोग किया गया है इसको आप लोग देख लीजिएगा अभिकल्प का डिजाइन या शोध डिजाइन यानी रिसर्च डिजाइन देखेंगे अब हम अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान में यह तृतीय वरिता क्रम में है सरल शब्दों में अभिकल्प का अर्थ योजना कार्य करके संपूर्ण अनुसंधान पर नियंत्रण करना है करलिंगर के अनुसार अनुसंधान अभिकल्प खोज की वह योजना संरचना तथा व्यू है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त किया जाता है तथा चरत्व पर नियंत्रण किया जाता है अनुसंधान अभिकल्प के दो मूल उद्देश्य होते हैं अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों व समस्याओं के उत्तर अथवा समाधान को ढूंढना अनुसंधान के द्वारा संभावित त्रुटियों का नियंत्रण किया जाता है, जिससे अनुसंधान के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं वैध हो अब हम देखेंगे न्यादर्श अथवा प्रतिदर्श यानी सैंपल जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है उन संकलित इकाइयों के समूह को न्यायदर्श, प्रतिदर्श या नमूना कहते हैं नमूने के आकार में वृद्धि से नमूना लेने में गलती हो जाती है प्रतिदर्श यानी न्यायदर्श के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग परक शोधों में प्रयुक्त होने वाले प्रतिदर्श सैंपलिंग को मूलतः दो विस्तृत भागों में बांटा जाता है संभाविता प्रतिदर्श प्रॉबिलिटी प्राविलिट, सैंपलिंग जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है, उसे संभाविता प्रतिदर्श कहते हैं। प्रतिदर्श के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं साधारण या प्रतिदर्श यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग इसमें तो ये पहला है इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर होती है तथा किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को बाधित या प्रभावित नहीं करता इस विधि में इकाइयों का चयन कुछ यांत्रिक या संयोगिक क्रिया द्वारा किया जाता है साधारणतः यादृच्छिक प्रतिदर्श की मुख्यतः दो विधि होती है लाटरी विधि नमूना लेने की लाटरी पद्धति का उपयोग यादृच्छीकरण बेतरतीब ग्रहण के लिए किया जाता है फिर है यादृच्छिक संख्या सारणी विधि इस विधि का प्रयोग चयनित न्यायर्श के आकार में वृद्धि होने पर तथा समष्टि के अधिक विस्तारित होने पर किया जाता है इस विधि में एक तालिका सूची का प्रयोग करते हैं फिर है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श ये पहला हो गया था साधारण यादिक प्रतिदर्श और दूसरा है स्तरीकृत यादृिक प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो इस उद्देश्य से इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा तो अन्य कई कारणों से जनसंख्या को कभी कभी क्रमबद्ध स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है इसके लिए प्रत्येक स्तर में पड़ने वाली इकाइयों का ढांचा तैयार करते हैं और विभिन्न स्तरों के ढांचों में से इकाइयों को यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा चुन लेते हैं इस विधि को स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो यह सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होती है फिर तीसरा है समूह गुच्छ प्रतिदर्श कभी कभी प्रतिदर्श की इकाइयां चर की प्राकृतिक इकाइयां न होकर उनके स्वाभाविक समूह या गुच्छे होते हैं प्रतिदर्श की इस विधि में गुच्छों का ढांचा बनाया जाता है और इसी ढांचे में से यादृच्छिक प्रतिदर्श चुना जाता है यदि इकाइयां आवश्यकता से अधिक हैं, तो आवश्यक इकाइयों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा कर लिया जाता है इसे उप प्रतिदर्श भी कहते हैं यानी सब सैंपलिंग भी कहते हैं प्रतिदर्श की यह विधि तब अधिक लाभदायक है जब इकाई तक पहुंचने का व्यय अधिक एवं इकाई के अध्ययन का व्यय कम होता है तो हम अभी संभाविता प्रतिदर्श देखे हैं अब हम असंभाविता प्रतिदर्श यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को देखेंगे जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती, उसे असंभाविता प्रतिदर्श कहते हैं इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार एवं अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्श में शामिल कर लेता है असंभाविता प्रतिदर्श का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसे कम समय धन एवं श्रम के साथ सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है असंभाविता प्रतिदर्श की सबसे प्रमुख सीमा दोष यह है कि इस प्रकार प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते असंभाविता प्रतिदर्श के मुख्य रूप से पांच प्रकार होते हैं ये सब पूछता है कि संभाविता प्रतिदर्श में कौन कौन सा आएगा और असंभाविता में कौन कौन सा आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है कोटा प्रतिदर्श इस प्रतिदर्श में जनसंख्या का स्तरीकरण उसी प्रकार किया जाता है जैसे कि स्तरीकृत यादृचिक प्रतिदर्श में किंतु इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक स्तर कोटा अथवा अंश में इकाइयों का चयन अपने विवेक से करता है फिर है आकस्मिक प्रतिदर्श यानी एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या से संबंधित कोई भी इकाई सुविधा उपलब्ध हो जाती है इसे आकस्मिक प्रतिदर्श कहते हैं फिर है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श। इस प्रतिदर्श में अनुसंधान करता जनसंख्या के उस समूह की इकाइयों का चयन करता है जिसे वह पूर्व ज्ञान के आधार पर जनसंख्या का प्रतिनिधि समझता हो फिर है क्रमबद्ध प्रतिदर्श ये सब असंभाविता वाले में चल रहा है ब्लैक तथा चैंपियन के अनुसार एक ऐसी परियोजना जिसमें यादृक्षीकरण के गुण हो तथा साथ ही साथ असंभावितशील शील गुण भी उसमें उपस्थित हो उसे क्रमबद्ध प्रतिदर्श परियोजना कहा जाता है क्रमबद्ध प्रतिदर्श व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित सूची से प्रत्येक चौथे व्यक्ति का चयन करते हुए उनका एक समूह तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है सीमित जनसंख्या के लिए यह प्रतिदर्श तकनीकी अपनाई जाती है उदाहरण माना यदि किसी फैक्ट्री में कार्यरत 1000 कर्मचारियों पर कोई सर्वेक्षण करना है तो इन कर्मचारियों की एक सूची प्राप्त कर ली जाए और इनमें से कोई भी एक कर्मचारी सूची क्रम में सातवें स्थान पर है तो प्रतिदर्श में इसका चयन करने के बाद हर पांचवां या दसवां व्यक्ति सम्मिलित कर वांछित प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाएगा फिर है प्रतिदर्श यानी स्नोबॉल सैंपलिंग ये भी, भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्नोबॉल सैंपलिंग हिम कंदुक प्रतिदर्श को हिंदी में कहते हैं हिम कंदुक प्रतिदर्श या स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग अनुसंधानकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है हिम कंदुक प्रतिदर्श का स्वरूप समाजमिति पर आधारित होता है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य होता है कि वह संबंधित जानकारी सूचना को कहां से प्राप्त करता है इसमें अनुसंधानकर्ता को एक परस्पर अंत क्रिया का पैटर्न पता चल जाता है फिर है प्रतिदर्श संबंधी त्रुटियां सामाजिक व्यवहारिक अनुसंधानों में प्रतिदर्श सदैव जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं उनमें कुछ न कुछ मात्रा में त्रुटियां रह जाती हैं, जिनके निम्नलिखित कारण हैं। या त्रुटियां सुव्यवस्थित त्रुटियां प्रतिदर्श त्रुटियां मापन की त्रुटियां। यहाँ पे सामान्य प्रायिक वक्र रेखा को शून्य विषम होना चाहिए ये नोट दिया है कि सामान्य प्रायिक वक्र रेखा जो होती है उसमें शून्य जो होता है वो विषम होना चाहिए अब हम अनुसंधान की विधियों को देखेंगे तो चलिए देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से प्रगति की दिशा में अग्रसर है अभी तक हुई विश्व में सारी प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुसंधानों के कारण ही है अनुसंधान को वर्गीकृत करना एक मुश्किल कार्य है क्योंकि इसमें विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में, में विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है बेस्ट एवं काहन के शब्दों बेस्ट एवं काहन द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण सबसे उत्तम माना गया है इसी वर्गीकरण के आधार पर अनुसंधान की विधियों को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है ऐतिहासिक अनुसंधान वर्णात्मक यानी विवरणात्मक अनुसंधान विधि प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि तो हम सबसे पहले ऐतिहासिक अनुसंधान विधि को देखेंगे यानी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड अपने वास्तविक रूप में इतिहास अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय क्रमबद्ध एवं समन्वित विवरण प्रस्तुत करता है इसके अध्ययन का मुख्य ध्येय अतीत के बारे में जानना है ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु विचार घटना और समुदाय या समाज विशेष के के विगत जीवन तथा तो किसी संस्था के विकास से संबंधित तथ्यों और नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इस प्रकार का अनुसंधान वर्तमान के साथ साथ भविष्य के उचित नियोजन में भी सहायता प्रदान करता है ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है इसके अंतर्गत जिन तथ्यों या सत्यों का अन्वेषण होता है वे अतीत से जुड़े होने के कारण अमूर्त एवं चुनौतीपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के सारांशों अथवा निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यकृत नहीं किया सकता जॉन डब्ल्यू बेस्ट ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई समझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है इस अनुसंधान विधि में ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण दो प्रकार से किया सकता है प्राइमरी स्रोत यानी प्राथमिक स्रोत प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अतीत की घटनाओं के अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के साथ संपर्क कर तथ्यों का संकलन करते हैं यह तथ्य संकलन ही प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं फिर प्राथमिक स्रोत के उदाहरण देखेंगे हम कौन कौन से होते हैं लिखित स्रोत न्यायालयों के पत्र आत्मचरित वर्णन कार्यालय संबंधी अभिलेख शिलालेख विज्ञान विज्ञापन पत्र समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं दयानंदिनी वंशावलिया तो जो मौखिक स्रोत है इसमें गाथाएं कहानियां उपाख्यान लोक श्रुति लोक कथाएं दंत कथाएं आ जाएंगी फिर कलात्मक स्रोत इसमें सिक्के मूर्तियां ऐतिहासिक चित्र ललित प्रथाएं कर लिंगर के अनुसार प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है या एक प्रत्यक्ष दर्शी द्वारा प्रस्तुत एक घटना का विवरण होता है अथवा किसी छाया चित्र या किसी संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण होता है बेस्ट कहे हैं प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति समूह अथवा काल का संबंध उसके शेष भागों अथवा अवशेषों से रहता है जीवाश्म, अस्थि पंजर यंत्र अस्त्र शस्त्र खान पान बर्तन भवन सज्जा चित्र चित्रकारी सिक्के तथा कलात्मक कृतियाँ अचेतन रूप से तथा अनजाने ही सूचना प्रसारण के साधन अथवा अभिलेख होते हैं फिर आप देखेंगे द्वितीय या गौड़ स्रोत जो ऐतिहासिक अनुसंधान के हैं एक व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में मूल स्रोत से ज्ञान न प्राप्त करके घटना से संबंधित व्यक्तियों के सुनाए गए वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है इस वर्णन को द्वितीयक स्रोत स्रोत या कहते हैं। इस वर्णन में यद्यपि सत्य अंश रहता है किंतु प्रत्येक प्रथम सा, 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 प्रथम साक्षी जो होता है प्रथम साक्षी से द्वितीयक श्रोता तक पहुंचते पहुंचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं जिसके कारण उसके दोष युक्त होने की संभावना रहती है द्वितीयक स्रोत की अपेक्षा प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं का मौलिक भंडार होता है जबकि द्वितीयक स्रोत उन घटनाओं का विचलित भंडार होता है करलिंगर के अनुसार गौड़ द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से एक या दो कदम दूर होते हैं जीवन इतिहास व्यक्तिगत विवरण संस्मरण पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त सामग्री द्वितीय स्रोत के उदाहरण हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की त्रुटियों त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है यह अनुसंधान परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायता करता है जैसे सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन नगरीकरण से संबंधित समस्याओं की प्रकृति से विशेष रूप से परिवर्तन की प्रकृति को समझा जा सकता है अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान कराता है इस अनुसंधान का महत्व शुद्ध अनुसंधानों और व्यवहारिक अनुसंधानों दोनों ही दृष्टिकोणों से है शिक्षा एवं मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है अतीत की घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करके उसके गुण दोषों से परिचित कराता है सामाजिक जीवन में इस अनुसंधान की व्यवहारिक उपयोगिता भी है ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना है अतीत वर्तमान और भविष्य के मध्य संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करना है अतीत के परिपेक्ष में वर्तमान घटनाक्रमों का अध्ययन कर भविष्य में इनकी सार्थकता को ज्ञात कराना करना है। वर्तमान में जो सिद्धांत तथा क्रियाएं व्यवहार में हैं, उनका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ तथ्य का विश्लेषण करना शिक्षा मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में चिंतन को नई दिशा एवं नवीन ज्ञान के नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्याएं वर्तमान वैज्ञानिक युग में ऐतिहासिक अनुसंधान का, का महत्व धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है आधुनिक युग में किसी समस्या के अध्ययन में कार्य कारण संबंध पर अधिक बल दिया जा रहा है जिसका अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि द्वारा अधिक सशक्त ढंग से नहीं किया जा सकता है ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्याओं को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान की एक सबसे बड़ी समस्या है तथ्यों का बिखराव समस्या से संबंधित तथ्य एक स्थान पर प्राप्त नहीं होते हैं जिस कारण अनुसंधानकर्ता को अनेक संस्थाओं और पुस्तकालयों में जाना पड़ता है पुस्तकालयों में अनेक संस्थाओं में कभी दस्तावेज प्रलेख क्रम में नहीं होते तो कभी दीमक या चूहों के कारण नष्ट हो जाते हैं जिस कारण ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को बहुत कठिनाई होती है ऐतिहासिक अनुसंधान में तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह अनुसंधानकर्ता के पक्षपातों अभिवृत्तियों मतों और व्यक्तिगत विचारधारा से प्रभावित हो जाता है जिससे परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता संदेह के घेरे में रहती है ऐतिहासिक अनुसंधान का सफल प्रयोग उन्हीं समस्याओं के अध्ययन में हो सकता है जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित दस्तावेज पांडुलिपियां अथवा आंकड़ों का संग्रह या तथ्यों से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो अगर ये सभी सामग्रियाँ उपलब्ध न हों तो हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान पद वैज्ञानिक विधि के आधार पर ऐतिहासिक अनुसंधान में निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं समस्या का चुनाव और समस्या का सीमा निर्धारण परिकल्पना परिकल्पनाओं का निर्माण तथ्यों का संग्रह और तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच, तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच, परिणामों की व्याख्या और विवेचना ऐतिहासिक अनुसंधान के गुण ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का मुख्य गुण यह है कि वह उन विषयों की जांच के लिए अनुमति देता है जिनका किसी अन्य प्रकार से अध्ययन नहीं किया सकता ऐतिहासिक अनुसंधान की उपादेयता शिक्षा समाजशास्त्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा मानव विज्ञान में अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि शिक्षाविदों को शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में इस अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों ही दृष्टिकोणों से है ऐतिहासिक अनुसंधान के दोष ऐतिहासिक अनुसंधान में नियंत्रण संबंधी कठिनाई पाई जाती है इस अनुसंधान में शोधकर्ता आंशिक नियंत्रण ही स्थापित कर पाता है इस अनुसंधान में कार्य कारण संबंध की स्थापना संभव नहीं है ऐसे अनुसंधानों की विश्वसनीयता और वैधता में कमी पाई जाती है क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं की यथार्थता को निर्धारित करना सरल नहीं होता ऐतिहासिक अनुसंधान में सत्यापन संबंधी कठिनाई का समावेश रहता है नोट ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत विषय वस्तु के चुनाव में निम्नलिखित दो तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जिसका पता न लगा हो पुराने अनुसंधान का संशोधन ऐतिहासिक अनुसंधान प्रबंध के मूल्यांकन के आधार पर शोध प्रबंध की व्यवस्था तार्किक आधार पर हो अध्ययन परिसीमित हो साधन उचित और विश्वसनीय हो तथ्यों की समुचित व सुव्यव तथ्यों की समुचित व व्यवस्थित व्याख्या हुई हो प्राथमिक व द्वितीय गौण स्रोत प्रयोग में आए हों निश्चित स्थान और समय के अनुसार स्रोतों का वर्गीकरण किया जाए अध्ययन में धन और समय का ध्यान रखा गया हो शोध प्रबंध द्वारा भविष्य में अनुसंधान हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया हो अब है वर्णनात्मक वर्णात्मक अनुसंधान वर्णनात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड वह अनुसंधान जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है इस अनुसंधान में अपरिचालित चरों के मध्य मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है इसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है इस अनुसंधान में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान प्रयोगात्मक परीक्षण पर के स्थान पर व्यवहार के माध्यम से व्यवहार और गुणों की माप को संदर्भित करता है बेस्ट के अनुसार वर्ण वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है परिस्थितियां अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान है अभ्यास जो चालू है विश्वास विचारधारा अथवा अभिवृत्तियां जो पाई जा रही हैं, प्रक्रिया जो चल रही है अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही हैं इन्हीं से इसका संबंध है वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों को केवल एकत्र ही नहीं करता बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरों में आपसी संबंध ढूंढने का भी प्रयास करता है देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि सर्वेक्षण सह संबंधी अध्ययन सामग्री विश्लेषण और अवलोकन फिर है वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। वर्णनात्मक अनुसंधान सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखते हैं इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है वर्णनात्मक अनुसंधान एक समूह के अध्ययन मामले में तथ्यों की प्रचलित का का पता लगाता है इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम निर्धारण नहीं करते अपितु समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है तथा इसे गणतीय सूत्रों द्वारा भी विकसित कर सकते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान के पद सोपान डेविड फॉक्स के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित पद हैं सबसे पहले अनुसंधान समस्या के कथन को स्पष्ट करेंगे यह सुनिश्चित करना कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान के उपयुक्त है उचित प्रकार के सर्वेक्षण विधि का चुनाव करना उद्देश्यों को निर्धारित करना यह सुनिश्चित करना कि आंकड़े प्राप्त करने का उपकरण उपलब्ध है प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान लगाना अनुसंधान के प्रतिनिधिकारी न्यायादर्श का चुनाव करना न्यायादर्श उपकरण आदि को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान लगाना आंकड़े प्राप्त करने का अभिकल्प तैयार करना आंकड़े का संग्रह करना आंकड़े का विश्लेषण करना प्रतिवेदन तैयार करना वर्णात्मक पक्ष एवं तुलनात्मक अथवा मूल्यांकन पक्ष फिर निष्कर्ष अनुस वर्णात्मक अनुसंधान के प्रकार विभिन्न लेखकों द्वारा वर्णनात्मक अनुसंधान को कई प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है फिर भी वॉन डेलन द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण सबसे उत्तम माना गया है इस वर्गीकरण के आधार पर वर्णनात्मक अनुसंधान को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है सर्वेक्षण अध्ययन अंतर संबंधों का अध्ययन एवं विकासात्मक अध्ययन सर्वेक्षण अध्ययन सर्वेक्षण के अंग्रेजी पर्याय सर्वे शब्द की उत्पत्ति सर तथा वेरियर से हुई है जिसका अर्थ क्रमशः ऊपर से और देखना होता है सामान्यतः सर्वेक्षण के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि संबद्ध सूचना या जानकारी किस रूप में है अर्थात सर्वेक्षण वर्तमान में सूचना का क्या स्वरूप है इसकी व्याख्या विवेचना करता है सर्वेक्षण अध्ययन का अर्थ वर्तमान क्रिया में सुधार के लिए मौजूद परिस्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों के संग्रह से हम निम्न तीन प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वर्तमान स्थिति क्या है वर्तमान स्तर का निर्धारण हम क्या चाहते हैं वर्तमान स्तर और मान्य स्तर में तुलना हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं वर्तमान स्तर का विकास करना सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन की विशेषताएँ अनुसंधान का आधार प्रतिदर्श होता है यानी सैम्पलिंग होता है प्रतिदर्श यादृच्छिक चयन यानी रैंडम सैम्पलिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है इसका स्वरूप अप्रायोगिक है नॉन एक्सपेरिमेंटल है ये इसमें जनसंख्या की यथार्थ विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है इसका संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है इसमें वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने का पर सर्वाधिक उपयुक्त है भारतीय जनगणना 2011 में सर्वेक्षण अध्ययन की सहायता ली गई थी विघटनकारी घटनाओं की अवस्था का अध्ययन किया जाता है सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार सर्वेक्षण संबंधी अध्ययन का क्षेत्र मुख्य रूप से समस्या की प्रकृति पर निर्भर है सर्वेक्षण अन्य प्रकार के हो सकते हैं जिनके मुख्य पांच प्रकार निम्नलिखित हैं कौन कौन से विद्यालयी सर्वेक्षण यानी विद्यालय सर्वेक्षण इस सर्वेक्षण में के अंतर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर विद्यालयों की क्षमता और प्रभावशीलता का विकास करने का प्रयास किया जाता है इस प्रकार के सर्वेक्षण में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया जाता है सर्वेक्षण में निम्नलिखित प्रमुख उपकरणों का प्रयोग किया जाता है निरीक्षण प्रश्नावली साक्षात्कार मानक परीक्षण प्राप्तांक परीक्षण मूल्यांकन माप, दंड। तो निरीक्षण करेंगे मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे, करेंगे, क्वेश्चन इंटरव्यू होगा मानक परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा फिर प्राप्तांक परीक्षण स्कोर कार्ड और फिर रेटिंग स्केल कार्य विश्लेषण वर्किंग एनालिसिस इस सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्यकर्ता की कार्य पद्धति कमजोरियों अक्षमताओं को पहचाना जाता है मानव शक्ति के सर्वोत्तम सदुपयोग की दृष्टि से कार्य वितरण विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व तथा तो कौशल विकास हेतु वेतन तथा भत्ते का निर्धारण सेवाकालीन एवं भावी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति की आवश्यकताएं निश्चित करना प्रशासनिक संगठन व क्रिया के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक रूप से सैद्धांतिक रूपरेखा का संचालन करना प्रलेखी विश्लेषण प्रलेखी विश्लेषण अनुसंधानकर्ता के लिए आंकड़े प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसे विषय वस्तु विश्लेषण क्रिया अथवा सूचनात्मक विश्लेषण भी कहा जाता है प्रलेखी विश्लेषण के अंतर्गत भूतकालीन ऐतिहासिक अनुसंधान व वर्तमान वर्णनात्मक अनुसंधान अभिलेखों का विश्लेषण किया जाता है यह प्रलेख कहानी उपन्यास कविता टीवी कथानक आदि कुछ भी हो सकता है प्रलेखी विश्लेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं इसके द्वारा व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक दशाओं मूल्यों रुचियों अभिवृत्तियों एवं पक्षपातों आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं विद्यालय एवं समाज की विशिष्ट अवस्थाओं तथा क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है विद्यालय व्यक्ति व समाज की, की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के विश्लेषण द्वारा प्रवेश की शर्तों पाठ्यक्रम विषय तथा तो पुस्तकों के विषय में ज्ञात कर सकते हैं व्यक्तिगत प्रलेखों जिसके अंतर्गत डायरी आय व्यय लेखा पत्रों आदि के विश्लेषण द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत आंकड़े मिलते हैं पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषणों विश्लेषण से विभिन्न प्रत्ययों त्रुटियों चित्रों एवं शब्दावली आदि को ज्ञात कर सकते हैं एडमन और श्वाने वेल्ट यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे समस्ट की जनगणना विद्यालय अभिलेख सहित सशक्त सांख्यिकी मृत्यु अभिलेख डायरी आत्मकथाएं व्यक्तिगत पत्र आर्थिक अभिलेख पुस्तकें पत्रिकाएं, व्याख्यान न्यायालय के अभिलेख सभा सम्मेलनों के अभिलेख नियम एवं कानून और विभिन्न समितियों तथा तो व्यक्तियों के द्वारा संगठित किए गए स्रोतों या अन्य कई प्रकार की सामग्री आदि से अपेक्षित साक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है फिर है जनमत सर्वेक्षण यानी पब्लिक ओपिनियन सर्वे औद्योगिक राजनीतिक शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रों में सफल होने के लिए नेताओं को अनेक निर्णय लेने होते हैं ये नेता किसी अनुमान या दबाव में आकर निर्णय लेने की जगह जनमत को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं इसी जनमत के माध्यम से नेता यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी कार्यक्रम विशेष के प्रति जनता का क्या रुख है चुनाव में जनता वोट देगी या नहीं शिक्षा के क्षेत्र में जनमत संग्रह कराकर विद्यालय की क्रियाओं के प्रति जनता के रुख को जानने का प्रयास किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठान जनमत संग्रह कराकर अपने प्रोडक्ट यानी माल के प्रति जनता का क्या रुख है इस तरह की बातों को जानने का प्रयास करते हैं जनमत सर्वेक्षण में उपकरण के रूप में प्राय प्रश्नावली तथा साक्षात्कार का प्रयोग आधिकारिक रूप से किया जाता है जनमत सर्वेक्षण के परिणाम विश्वसनीय व वैध होने के लिए न्यायदर्श का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए यह जनसंख्या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए साथ ही पक्षपात रहित ढंग से होना चाहिए फिर है समुदाय सर्वेक्षण कम्युनिटी सर्वे समुदाय सर्वेक्षण के द्वारा समुदाय के सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है समुदाय सर्वेक्षण द्वारा सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इतिहास भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियां सरकार एवं कानून जनसंख्या समुदाय सर्वेक्षण के सफल प्रयोग हेतु उपकरण के रूप में प्रश्नावली साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर विभिन्न अधिकारियों सामाजिक संस्थाओं विद्यार्थियों शिक्षकों तथा विभिन्न अभिलेखों से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं फिर है अंतर संबंधों का अध्ययन इंटर रिलेशनशिप स्टडीज अंतर संबंधों के अध्ययन में अनुसंधान करता वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण करने के साथ साथ उन तत्वों को खोजने का प्रयास भी करता है जो घटनाओं के संबंध में विषय में सूझ प्रदान कर सके अंतर संबंधों के अध्ययन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं व्यक्ति अध्ययन कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन और सहसंबंधात्मक अध्ययन व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी व्यक्ति अध्ययन सामाजिक कार्यकर्ता या अनुसंधानकर्ता किसी विशेष परिस्थिति का निदान करने व उसके उपचार का सुझाव देने की दृष्टि से किया जाता है इसके अंतर्गत किसी सामाजिक इकाई एक व्यक्ति परिवार समूह सामाजिक संस्था या समुदाय का गहन अध्ययन किया जाता है इसमें किसी सामाजिक इकाई को प्रभावित करने वाली अतीत की घटनाओं भूतकालीन घटनाएं अनुभूतियों वर्तमान स्थिति व वातावरण के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं इसके अंतर्गत सामान्य की अपेक्षा असामान्य व्यक्ति अथवा इकाई के अध्ययन पर बल दिया जाता है पी.वी. यंग व्यक्ति अध्ययन में किसी सामाजिक इकाई के व्यक्ति जीवन की खोज तथा विश्लेषण किया जाता है भले ही वह इकाई व्यक्ति परिवार संस्था सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय हो व्यक्ति अध्ययन के सोपान इसमें समस्या का चयन तथा व्याख्या अध्ययन के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है इकाइयों की संख्या का निर्धारण घटनाक्रम का व्यवस्थापन निर्धारण तत्वों की व्याख्या परिणाम विश्लेषण परिणाम व्याख्या निष्कर्ष व्यक्ति अध्ययन के सूचना के स्रोत व्यक्तिगत आलेख आत्मकथा डायरी पत्र एवं स्वीकारोक्तियां संबंधित व्यक्ति माता पिता पड़ोसी मित्र रिश्तेदार अध्यापक जीवन वृत्त आलेख यह व्यक्ति के जीवन की उन घटनाओं का आलेख होता है जो उसे सीधे संबंधित होते हैं फिर राजकीय आलेख विद्यालय प्रमाण पुलिस तथा तो न्यायालय रिकॉर्ड व्यक्ति अध्ययन के उपकरण इसमें प्रश्नावली निरीक्षण विधि साक्षात्कार अनुसूची मनोवैज्ञानिक परीक्षण साक्षात्कार विधि मुक्त साहचर्य और व्यक्तिक अध्ययन तथा तो प्रपत्र अब हम देखेंगे व्यक्ति अध्ययन के गुण तथा दोष तो सबसे पहले हम इसके गुणों को देख लेते हैं किसी सामाजिक इकाई का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है अनुसंधान उपकरण के निर्माण में यह अत्यंत उपयोगी होती है इसके द्वारा आत्मनिष्ठ पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है यह अपराधियों के व्यवहार का अध्ययन करने तथा उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए उपयोगी है इसके द्वारा समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है दो व्यक्तियों को लेकर उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त है अब इसके दोष देख लेते हैं व्यक्ति अध्ययन के दोष गहन अध्ययन में समय धन और श्रम अधिक लगता है अध्ययन क्षेत्र सीमित होता है सामान्यकरण परिशुद्ध नहीं होता है आत्मनिष्ठता की मात्रा अधिक मात, अधिक पाई जाती है प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता व वैधता निम्न स्तर की होती है अध्ययन हेतु उपयुक्त प्रतिदर्श नहीं मिलता है अध्ययन की पुनरावृत्ति में कठिनाई होती है अब हम देखेंगे कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन अथवा कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट इसको कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं तो आपको एक्स पोस्ट फैक्टो को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन को कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है यह विधि मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि किसी घटना अथवा परिस्थिति के उत्पन्न होने पर कोई न कोई कारण अवश्य होता है यदि कारण उपस्थित है तो घटना अवश्य घटित होगी और यदि वह कारण अनुपस्थित है तो वह घटना नहीं घटेगी इसी धारणा के आधार पर घटित घटना के निष्कर्ष को आधार बनाकर विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विधि से पीछे की ओर चलते हैं और कारणों को ज्ञात करते हैं इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रभावी मिड डे मील के आयोजन के लिए संभावित कारकों का प्रभाव पता लग लगता है क्या है इस अनुसं प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रभावी मिड डे मील के आयोजन के लिए संभावित कारकों का प्रभाव का पता लगता है कार्य कारण अनु कार्यकारण तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग उन अनुसंधान कार्यों के लिए होता है जहां परीक्षण नहीं हो सकता या नहीं किया जाना चाहिए जैसे किशोरों में अपराध वृत्ति का अध्ययन मोटर दुर्घटना का अध्ययन आदि कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन यानी घटनोत्तर अनुसंधान की विशेषताएं यह एक अप्रायोगिक अनुसंधान है इस अध्ययन में आश्रित चर परिवर्त एवं स्वतंत्र चर परिवर्त में सहगामी परिवर्तन का परीक्षण किया जा सकता है यह अनुसंधान आश्रित चर से प्रारंभ होकर स्वतंत्र चर में समाप्त होता है इसमें यादृच्छीकरण का अभाव पाया जाता है यह अध्ययन स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है यह अध्ययन निरीक्षण की आगमन पद्धति पर आधारित है क्योंकि अनुसंधानकर्ता आश्रित तथा स्वतंत्र चरों के मध्य संबंधों का अनुमान करता है अब हम एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान के गुड़ और दोष को देखेंगे तो सबसे पहले हम गुड़ को देख लेते हैं गुड़ सामाजिक शैक्षिक तथा नैदानिक समस्याओं के लिए विधि उपयोगी है इसमें आश्रित चर अज्ञात होता है अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चर को ज्ञात करता है समाजशास्त्र, शिक्षा तथा मनोविज्ञान में ऐसे अनुसंधान का महत्व है क्योंकि बहुत सी अनुसंधान समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग अध्ययन जिनका प्रायोगिक अध्ययन संभव नहीं है अब इसके दोस्त देख लेते हैं प्रायोगिक अनुसंधान से निम्न स्तर की अप्रायोगिक अनुसंधान विधि है प्रायोगिक अनुसंधान से निम्न स्तर की अप्रायोगिक अनुसंधान विधि है इसमें यादृच्छिक करण संभव नहीं है बिना उपकल्पना के अनुसंधान कार्य किया जाता है इसलिए भ्रामक परिणाम पाए जाने की संभावना बनी रहती है इस अनुसंधान में नियंत्रण का अभाव पाया जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र तो चर पर कोई नियंत्रण नहीं होगा एक क्रिया से एक से अधिक कारण हो सकते हैं कौन कार्य है और कौन कारण इस के निश्चय में कठिनाई होती है सहसंबंधात्मक अध्ययन यह अध्ययन दो या दो से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध के अध्ययन से संबंधित है ठीक है सहसंबंधात्मक अध्ययन यानी कोरिलेशन स्टडी कार्य कारण संबंधों को समझने की दृष्टि से भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है जैसे यदि अनुसंधानकर्ता शारीरिक और मानसिक विकास के संबंध का अध्ययन करना चाहता है तो वह सह संबंध अनुसंधान का प्रयोग करेगा वॉन डैलन के शब्दों में सह संबंध विधि का प्रयोग दो चरों में संबंध की सीमा निश्चित करने के लिए करते हैं सहसंबंध मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन जब एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में भी वृद्धि होती है अथवा एक चर के घटने से दूसरे चर में भी घटाव हो तो इस प्रकार का सहसंबंध धनात्मक सहसंबंध कहलाता है दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध नेगेटिव कोरिलेशन जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में घटाव या एक चर में घटाव होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो तो इस प्रकार का सहसंबंध ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है फिर है सुन्ने सहसंबंध कोरिलेशन जब एक चर में घटाव या वृद्धि का दूसरे चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इस प्रकार का सहसंबंध शून्य सहसंबंध कहलाता है सहसंबंध की मात्रा सहसंबंध का मान प्लस माइनस वन के मध्य ही होता है शैक्षिक मनोविज्ञान एवं सामाजिक परिस्थितियों में इसका मान पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त नहीं होता सहसंबंध विधि के उपयोग अनुसंधान हेतु उपकरणों को तैयार करना एवं उसकी विश्वसनीयता में वैधता ज्ञात करना उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह शैक्षणिक सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए शिक्षक की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए अनुसंधान में विश्लेषण व्याख्या और निष्कर्ष निकालने के लिए शैक्षिक नियोजन के लिए जनसंख्या के संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए दो चरों में संबंध अथवा भिन्नता और साथ ही उसकी सीमा ज्ञात करने के लिए अब देखेंगे विकासात्मक अध्ययन डेवलपमेंटल स्टडी विकासात्मक अध्ययन केवल वर्तमान स्थिति एवं पारस्परिक संबंध को ही स्पष्ट नहीं करता बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि समय व्यतीत होने के सार, साथ इसमें क्या परिवर्तन आए हैं इस प्रकार के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता काफी लंबे समय तक चरों के विकास का अध्ययन करता है यह अवधि कभी कभी महीनों से वर्षों तक चली जाती है विकासात्मक अध्ययन निम्नलिखित तीन प्रकार से होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन इस प्रकार के अध्ययन में बच्चों के विकास की स्थिति का अध्ययन थोड़े थोड़े समय अंतराल पर करते हैं जैसे एक समूह के बालकों का अनेक चरों से सहसंबंध अध्ययन कर 12 13 14 15 16 वर्ष की आयु का रेखा प्रस्तुत करना फिर है प्रतिनिधिध्यात्मक अध्ययन प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन क्रॉस सेलेक्शन स्टडी में इस प्रकार के अध्ययन में एक ही बच्चे अथवा समूह का वर्षों तक अध्ययन करने की जगह एक ही समय में विभिन्न आयु के बच्चों का अध्ययन एक साथ करते हैं जैसे किसी चर के संबंध का अध्ययन करने के लिए एक ही समय में एक साथ बारह तेरह चौदह पंद्रह वर्ष की आयु के बालकों को लेना उदाहरण नौ वर्षीय बच्चे सात वर्षीय बच्चों से ज़्यादा लंबे होते हैं विकासात्मक अध्ययन की सर्वोत्तम विधि अनुदैर्ध्य अध्ययन है लेकिन समय और श्रम की बचत के कारण प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है इसमें अनुसंधानकर्ता कम समय में ही आवश्यक आंकड़े एकत्र करके उसका अध्ययन करता है उपनीति प्रवृत्ति अध्ययन यानी ट्रेंड स्टडी उपनीति अध्ययन में विशिष्ट चरों के द्वारा किसी विशेष जनसंख्या संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना होता है इन आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा वर्तमान की व्याख्या एवं उसका वर्णन किया जाता है अब हम देखेंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैथड प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि जॉन स्टुअर्ट मिल्क के एकल चर के नियम पर आधारित है प्रयोगात्मक अनुसंधान अनुसंधान की एक उन्नत विधि है इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है पहली स्थिति में यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा यदि आवश्यक है यदि होगा यह स्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है दूसरी स्थिति में यदि कारण नहीं तो प्रभाव भी नहीं होगा यदि वही कारण न हो फिर भी प्रभाव हो तो इसका अर्थ हुआ कि प्रभाव का वह कारण नहीं है जो हम हमेशा जो हम अपेक्षा कर रहे थे प्रयोगात्मक अनुसंधान में कारण की उपस्थिति प्रभाव को दिखाती है तथा कारण की अनुपस्थिति प्रभाव को नहीं दिखाती प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि अर्थ तथा उपयोगिता की दृष्टि से लाभप्रद एवं व्यवहारिक है क्योंकि इसका अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है यह इस विधि की एक विशेषता भी है प्रयोगात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित तीन चरों का वर्णन किया जाता है स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं स्वतंत्र चर को कारण चर भी कहता है यह दूसरे चर को प्रभावित भी करता है इसलिए इसे प्रभावित करने वाला चर भी कहते हैं उदाहरण शिक्षण का तरीका बुद्धि अभिवृद्धि व्यक्तित्व पुरस्कार आयु स्वतंत्र चर के दो प्रकार होते हैं स्वतंत्र चर के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं संचालित चर जिन चरों में अनुसंधानकर्ता द्वारा परिवर्तन अथवा जोड़ तोड़ संभव होते हैं उसे संचालित चर कहते हैं जैविक चर जिन चरों में अनुसंधानकर्ता द्वारा परिवर्तन या जोड़ तोड़ संभव नहीं होता उन्हें जैविक चर कहते हैं जैसे बुद्धि प्रजाति आयु आदि अब देखेंगे आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चरों में परिवर्तन या जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पर देखा जाता है उसे आश्रित चर कहा जाता है जैसे पढ़ाने की विधि के प्रभाव का अध्ययन हम शैक्षिक उपस्थिति पर करना चाहते हैं दो या दो से अधिक विधियों से बच्चों को पढ़ाया जाए तथा इसका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर देखा जाए तो इस अध्ययन को पढ़ाने की विधि स्वतंत्र चर है तथा तो शैक्षिक उपलब्धि एक आश्रित चर है स्वतंत्र चर या आश्रित चर के मध्य संबंध को नियंत्रण चर प्रभावित करता है फिर है बाह्य चर ऐसे चर जिनका अध्ययन प्रयोगकर्ता अपने परीक्षण में नहीं करता उन्हें बाह्य चर कहते हैं यह चर आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन को भी प्रभावित करता है प्रयोगकर्ता इन चरों को नियंत्रित करके रखते हैं इसलिए इन्हें नियंत्रण चर भी कहते हैं उदाहरण कक्षा दस में विज्ञान पढ़ाने के लिए विधि अथवा विधि ब में से कौन प्रभावपूर्ण होगी इस स्थिति में छात्रों को दो समूह से लेकर एक को अविधि से पढ़ाया जाए दूसरे को ब विधि से पढ़ाया जाए यदि ब विधि से पढ़ाए गए छात्रों की उपलब्धि अविधि वालों से उच्च मिली तो हम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि यह विधि का ही प्रभाव है हो सकता है कि सोचने की क्षमता प्रेरणा आदि का प्रभाव पड़ा हो अतः यह क्षमता बुद्धि अभियोग्यता आदि चर कहे जाएंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान के समूह स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ के आधार पर प्रयोगात्मक अनुसंधान को दो समूह में बांटा गया है प्रयोगात्मक समूह इस समूह में करता, करता में अनुसंधानकर्ता शोधकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर किया जाता है यही सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण है तो इसका प्रभाव होगा जोड़ तोड़ का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है नियंत्रित समूह इस समूह इस समूह में अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ या परिवर्तन नहीं किया जाता यह सिद्ध किया जाता है कि यदि कारण नहीं है तो इसका प्रभाव भी नहीं है तो ये नियंत्रित समूह में देखा जाता है अब प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि की विशेषताएं देख लेते हैं इस विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है यदि किसी दूसरे अध्ययनकर्ता को पहले अध्ययनकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर किसी प्रकार की शंका है तो उसे दोहरा कर निष्कर्ष की जांच आसानी से की जा सकती है इस अनुसंधान में चिकित्सक द्वारा डेंगू बुखार की दो औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा सकता है इस विधि में स्वतंत्र चरों का जोड़ तोड़ अधिकाधिक एवं उचित तरीकों से हो पाता है जिस कारण प्रयोगकर्ता किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कई प्रकार से करने में समर्थ होते हैं यह विधि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है इसमें प्रयोगकर्ता को एक खास तरीके से एवं खास विधि से प्रयोग करना होता है इसमें पूर्वाग्रह या पक्षपात का अभाव रहता है वस्तुनिष्ठ होने के कारण इससे प्राप्त आंकड़ों का गुणात्मक तथा परिणात्मक विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है यह विधि आणविक है क्योंकि इसमें व्यवहार के आणविक तत्वों का अध्ययन होता है इस विधि में बाह्य चरों का नियंत्रण आवश्यक होता है नियंत्रण करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जैसे विलोपन या दृक्षीकरण प्रयोज्य को सुमिलित करके सह प्रसरण विश्लेषण आदि प्रयोगात्मक विधि और वैज्ञानिक विधि में समानता के कारक प्रयोगात्मक विधि को प्राय वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं वैज्ञानिक विधि में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वही विशेषताएं प्रयोगात्मक विधि में भी विद्यमान होती हैं प्रयोगात्मक विधि और वैज्ञानिक विधि में निम्न कारक समान होते हैं वस्तुनिष्ठता इन दोनों विधियों में अपनी प्रकृति प्रक्रिया और परिणामों के दृष्टिकोण से अधिकाधिक वस्तुनिष्ठता पाई जाती है यह आत्मनिष्ठा पक्षपात और दोषपूर्ण रवैये से काफी दूर होती है इन दोनों विधियों में सूचनाओं के संकलन व्यवस्थीकरण एवं संगठन प्रदत्तों का विश्लेषण सत्यापन तथा परीक्षण और निष्कर्ष निकालने संबंधी कार्य पूरी तरह नियोजित व्यवस्थित एवं नियंत्रित रहते हैं और इसी से अनुसंधान कार्य एवं शोध कार्य में प्रारंभ से अंत तक निश्चितता का ही वातावरण रहता है सत्यापनशीलता यह दोनों विधियों में प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जो भी आवश्यक सूचनाएं या प्रदत्त संकलित किए जाते हैं उनकी सत्यता का परीक्षण ठीक तरीकों से किया जाता है प्रदत्तों से निष्कर्ष रूप में क्रियान्वित होने से पहले उसे स्वपरीक्षण परीक्षण तथा प्रयोग की कसौटी पर ठीक तरीके से परखा जाता है पूर्वानुमान क्षमता या भविष्य कथन क्षमता इन दोनों विधियों के प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें वस्तुओं व्यक्तियों या घटनाओं से संबंधित बातों का अग्रिम अनुमान और उसके बारे में सटीक भविष्यवाणी करने की पूर्व क्षमता विद्यमान रहती है उदाहरण किसी किशोर बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन इन दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए किया जाए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी परिस्थिति विशेष में उसके द्वारा किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है संशोधनशीलता व गत्यात्मकता इन दोनों विधियों के प्रयोग से जो निष्कर्ष और परिणाम सत्यापित होते हैं वे कभी भी स्वयं में अंतिम पूर्ण सत्य तथा अपरिवर्तनशील नहीं होते सत्यापन परीक्षण प्रयोग के द्वारा जो नए निष्कर्ष सामने आते हैं वे पुराने सिद्धांतों व नियमों में संशोधन कर देते हैं इसके अतिरिक्त दोनों विधियों में सामान्यकरण तथा कार्य कारण संबंध की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है प्रयोगात्मक विधि या अनुसंध प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि के सोपान समस्याओं के समाधान हेतु निश्चित और क्रमबद्ध सोपानों का अनुसरण किया जाता है है उन सोपानों का क्रम निम्नलिखित सबसे पहले समस्या का चुनाव करता, करता है और उसमें समाधान के माध्यम से किसी बात को जानने की जिज्ञासा रहती है फिर समस्या की पहचान समस्या के अध्ययन व विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम समस्या की प्रकृति को जानना अनुसंधान करता अपनी शोध समस्या अनुसंधान समस्या को स्पष्ट व संक्षिप्त रूप से व्यक्त करता है परिकल्पनाओं का निर्माण समस्या के समाधान के लिए अनुभव तर्क तथा कल्पनाशीलता की सहायता ली जाती है कुछ अनुमानित सं, आ, समाधानों को सूचीबद्ध किया जाता है तथा कुछ अच्छे विकल्पों को सामने रखा जाता है इस इन विकल्पों को ही परिकल्पनाओं का नाम दिया जाता है फिर परिकल्पना परीक्षण प्रदत्तों का संकलन संगठन एवं विश्लेषण सूचनाओं अथवा प्रदत्तों के संकलन संगठन विश्लेषण एवं निष्कर्ष संबंधी उपयुक्त सभी कार्य सोपान के अंतर्गत कुशलतापूर्वक एवं वैज्ञानिक ढंग से संपन्न किए जाते हैं इसमें परिकल्पनाओं के परीक्षण में आवश्यक विश्वसनीयता वैधता और वस्तुनिष्ठता बनी रहती है उचित निष्कर्षों अथवा परिणामों की प्राप्ति प्रदत्तों के विश्लेषण से उचित निष्कर्ष निकालकर परिणाम को सामने रखा जाता है यदि निष्कर्षित परिणाम समस्या विशेष के उचित समाधान में सहायक हो तो इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है और नहीं हो तो दोबारा नए सिरे से किसी अन्य परिकल्पना के माध्यम से तब तक आगे बढ़ा जाता है जब तक किसी एक उचित परिकल्पना के सहारे समस्या विशेष के समाधान हेतु अच्छे और उचित निष्कर्षों अथवा परिणामों की प्राप्ति न हो जाए तो इसका स्टेप एक बार फिर से देख लेते हैं सबसे पहले समस्या का चुनाव फिर समस्या का पहचान फिर परिकल्पनाओं का निर्माण फिर परिकल्पना परीक्षण प्रदत्तों का संकलन संगठन एवं विश्लेषण फिर उचित निष्कर्षों अथवा परिणामों की प्राप्ति अब हम देखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान विधि यानी एक्शन रिसर्च मेथड सामान्यतः विद्वानों ने अनुसंधान के तीन विधियों ऐतिहासिक वर्णात्मक तथा प्रयोगात्मक का ही वर्णन किया है परंतु इन विधियों की सहायता से विद्यालयों अथवा शिक्षण संस्थानों की व्यवहारिक व तत्कालीन समस्याओं का समाधान संभव नहीं था शिक्षण संस्थानों की व्यवहारिक एवं तत्कालीन समस्याओं के समाधान हेतु एस एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान विधि को विकसित किया क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान की खोज नहीं बल्कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है इस अनुसंधान के द्वारा विद्यालय की क्रिया प्रणाली में सुधार औद्योगिक समस्याओं का समाधान तथा सामाजिक समस्याओं के बेहतर निराकरण को संभव माना गया है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही तत्कालीन अनुप्रयुक्ति के लक्षण को प्राप्त किया जाता है एस एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यवसायी अपने निर्णय में निर्देशित होने के लिए सुधार लाने के लिए व मूल्यांकन के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं इसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है यह अनुसंधान व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है इस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान के वर्ग में रखा गया है इससे व्यवसायी अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं यह नैदानिक कार्यों के लिए व्यक्तिक अनुसंधान है यह अनुसंधान किसी विशेष संस्था समुदाय तक ही सीमित होता है यह अनुसंधान तत्कालीन समस्याओं के समाधान संबंधित है इस अनुसंधान के अंतर्गत रिसर्च एक्शन रिसर्च एक्शन रिसर्च की क्रिया सतत रूप से चलती है क्रियात्मक अनुसंधान के चरण क्रियात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण हैं सबसे पहले समस्या का चयन फिर समस्या का कथन एवं मूल्यांकन परिकल्पनाओं का निर्माण प्रदत्त संकलन उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर परिकल्पनाओं का परीक्षण परिणाम निष्कर्ष एवं सुझाव योजना निर्माण क्रियान्वयन फिर प्रेक्षण फिर क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए विद्यालय प्रणाली में परिवर्तन करके स्वस्थ वातावरण को विकसित करना विद्यार्थियों व शिक्षकों में समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना विद्यालय कर्मचारियों को अपने निष्पादन में उत्कर्षता स्तर लाने के लिए प्रेरित करना विद्यालयों अथवा संस्था की कार्य दशा दशाओं में सुधार लाना विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर को उच्च करने में सहायता करना एक में ये देख लेते हैं नोट में क्या है अभी कुछ समय पूर्व एन ने क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित योजनाओं में अपनी रुचि दिखाई है एन अनेक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए सेमिनार तथा वर्कशॉप को आयोजित करने करके क्रियात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में अवगत कराने का प्रयास किया इस सेमिनार या वर्कशॉप के माध्यम से शिक्षकों में वैज्ञानिक उन्मुक्ता विकसित हो तथा तो विद्यार्थियों के समुचित विकास को ध्यान में रखा जाए इस बात पर बल दिया गया अब देखिए गुणात्मक तथा तो अनुसंधान में अंतर। गुणात्मक अनुसंधान व्यक्तिगत अनुभवों एवं विश्लेषण पर आधारित होता है इस अनुसंधान का उपयोग सिद्धांतों और प्राकथन के निर्माण के लिए किया जाता है मात्रात्मक अनुसंधान आंकड़ों अथवा प्रदत्तों पर आधारित होता है इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा निर्धारित होता है फिर है इस अनुसंधान के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है इस अनुसंधान का स्वरूप अधिकांशतः अन्वेषणात्मक होता है फिर यह अनुसंधान यानी मात्रात्मक अनुसंधान जो होता है यह अनुसंधान किसी प्रकार के पक्षपात अथवा भाव से रहित होता है फिर है गुणात्मक अनुसंधान आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है और मात्रात्मक अनुसंधान निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है परिणात्मक अनुसंधान समूह केंद्रित गहन अध्ययन साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है मात्रात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण संरक्षित साक्षात्कार अवलोकन रिकॉर्ड्स तथा रिपोर्ट्स की समीक्षा पर आधारित होता है अनुसंधान में प्रदत्त अथवा शब्द या चित्रों के रूप में होते हैं मात्रात्मक अनुसंधान में प्रदत्त अथवा आंकड़े संख्या आधारित होते हैं एक मिनट मैंने इसको थोड़ा सा गुणात्मक गुणात्मक बोल दिया है ये वाला गुणात्मक है और ये मात्रात्मक या परिणात्मक है तो मैं इसको फिर से पढ़ देती हूँ जो गुणात्मक अनुसंधान है यह अनुसंधान समूह केंद्रित गहन अध्ययन साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है मात्रात्मक अनुसंधान सर्वेक्षण संरक्षित साक्षात्कार अवलोकन रिकॉर्ड अथवा रिपोर्ट की समीक्षा पर आधारित होता है गुणात्मक अनुसंधान में प्रदत्त अथवा आंकड़े शब्द या चित्रों के रूप में होते हैं मात्रात्मक तो अनुसंधान में प्रदत्त अथवा आंकड़े संख्या आधारित होते हैं गुणात्मक अनुसंधान में किसी समस्या या परिस्थिति का वर्णन करना अनुसंधान के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है यह अनुसंधान अधिकांशतः विषयनिष्ठ होता है फिर मात्रात्मक अनुसंधान में किसी भी समस्या या परिस्थिति के स्पष्ट रूप से दिखने वाले प्रभावों या परिणामों का वर्णन किया जाता है यह अनुसंधान अधिकांशता वस्तुनिष्ठ होता है फिर गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत असंरक्षित और, और अर्ध अर्धसंरक्षित प्रतिक्रिया के कारण उत्तर के विकल्पों में विविधता होती है और मात्रात्मक अनुसंधान में निश्चित प्रति उत्तर का विकल्प विद्यमान रहता है गुणात्मक अनुसंधान के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता अनुसंधानकर्ता के प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करती है मात्रात्मक अनुसंधान के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता तकनीकी यंत्र और मापक पर निर्भर करती है गुणात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता केवल क्या कहाँ कब की खोज नहीं करता बल्कि क्यों और कैसे को भी खोजने का प्रयास करता है इस अन फिर मात्रात्मक अनुसंधान में क्यों और कैसे को खोजने का प्रयास नहीं करता फिर गुणात्मक अनुसंधान में छोटे आकार के नमूने का ही प्रयोग किया जाता है मात्रात्मक अनुसंधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है गुणात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूतकाल में निमग्न अथवा तल्लीन हो जाता है मात्रात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का ध्यान अधिकांशतः प्रदत्त आंकड़ों तक ही सीमित होता है गुणात्मक अनुसंधान में वास्तविक स्थानगत परिस्थितियां ही प्रदत्त आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं मात्रात्मक अनुसंधान में वास्तविक स्थानगत परिस्थितियों की तुलना आंकड़ों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है इस अनुसंधान में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है यानी गुणात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण की संभावना कम होती है और मात्रात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण की संभावना अधिक होती है नोट गुणात्मक अनुसंधान का विश्लेषण निम्नलिखित तीन प्रमुख विधियों द्वारा किया जाता है घटना क्रियात्मक विधि निहित सिद्धांत विश्लेषण विधि कथा एवं वार्तालाप विश्लेषण घटना क्रियात्मक विधि घटना क्रियात्मक विधि को ही दृश्य प्रपंच शास्त्र फिनोमिनोलॉजी कहते हैं तो घटना क्रियात्मक विधि निहित सिद्धांत विश्लेषण कथा एवं वार्तालाप विश्लेषण इन तीन प्रमुख विधियों द्वारा गुणात्मक अनुसंधान का विश्लेषण किया जाता है तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं हम शोध अभियोग्यता का पार्ट टू लेकर जल्दी उपस्थित होंगे जिसमें हम अनुसंधान नैतिकता से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में शोध अभियोग्यता का जितना भी मैटर है उसको समाप्त कर देंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपकी कोई भी समस्या है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद